जिला कारागार में रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनों की भारी संख्या में भीड़ लगी रही। इस दौरान बहनों को जेल के नियमानुसार हाथ में मोहर लगाकर लाइन लगाकर जमा तलाशी के बाद बारी बारी से प्रवेश करने दिया गया। जेल में रक्षाबंधन पर्व पर विशेष आयोजन किया गया था। बहनों के लिए राखी स्टॉल लगाया गया था, जिससे अगर कोई बहन राखी भूल गई हो तो उसको राखी के लिए परेशानी ना हो। भाइयों से मिलने के बाद सभी बहनों के चेहरे खिल उठे। बहनों ने प्रेम भाव से भाइयों के कलाई पर राखी बांधी, जिसके संबंध में जिला कारागार के जेलर ए.के. कुशवाहा ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर शासन से निर्देश प्राप्त हुआ था कि सभी बहनों का भाइयों से मुलाकात करवाया जाए, जिसको देखते हुए कड़ी सुरक्षा के साथ सभी बहनों की भाइयों से मुलाकात करवाया गया है। रक्षाबंधन पर्व पर जेल में सभी तरह की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए महिला बैरक की व्यवस्था की गई है और जिन बहनों के पास राखी नहीं है उनके लिए राखी की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कारागार के जेलर ए.के. कुशवाहा ने कहा, नाम सुनो भाई, ओम दीवान मौर्या आ जाओ। गोलू चौहान, गोलू चौहान दिल्ली हो, अंगल का अंगल करो। नहीं लगाओ जाओ, मतलब झुके खड़ा हो फालतू हट। किसे मिला है? आप लोग इधर जेल गुरुपालक मोबाइल लेकर जाना, मोबाइल भैया, मोबाइल बोलिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल उसमें जल्द जल्द अंदर भेजिए, चाहिए तो यहाँ तलाशी चलाना। बुलाए हो तो हो जाइए आप लोग। अरे फिल्म नहीं जाते रहिए, आइए मोबाइल किस पास है यार?
सभी बहनों की मुलाकात कराए जाने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी बहनों की मुलाकात उनके भाइयों से कराई जा रही है। सर क्या व्यवस्था है यहाँ पे, किस तरह से बहनें मिल सकती हैं? पूर्ण व्यवस्था है, जिनके पास सामान नहीं है उनके पास अंदर सामान की व्यवस्था है, राखी की व्यवस्था है, महिला बैरक के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। राखियों की व्यवस्था अंदर की गई है? हाँ, जिनके पास नहीं है, हाँ, राखियों की व्यवस्था अंदर भी है।